हाय दोस्तों, एसीमा टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों, जिसे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये देखो, सैमसंग का मॉडल नंबर है A5, गैलेक्सी A5। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो मैं जब भी यहाँ ऑपरेट करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और एक बात बता रहा दोस्तों, यहाँ कोई तो गर्म होता है इस जगह, मैं महसूस कर सकता हूँ दोस्तों। तो अभी पहले मोबाइल ऑन होने देते हैं। तो अभी मैं यहाँ ऑपरेट करूंगा तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर से मोबाइल ऑन होगा दोस्तों। तो कोई भी फंक्शन यहाँ ओपन कर दूँ ऑपरेट करते समय, और यहाँ गर्म हो जाता है। तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ मैं वाईफाई ऑन करने जाता हूँ तो ऑन भी नहीं होता है, आप देख सकते हो। तो शायद तो ये वाईफाई ऐसे ही गर्म होता होगा, इसके वजह से ही मोबाइल रिस्टार्ट होता है। तो अभी देखो, वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं वाईफाई के यहाँ क्लिक कर दूंगा, लेकिन वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। तो उस फंक्शन सेक्शन में जाएंगे हम। यहाँ देखो, मैं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं ऑपरेट करते समय मोबाइल मेरा ऑफ हो जाता है और रिस्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हुआ ऑपरेट करते समय। तो हम क्या करेंगे, जो वाईफाई आईसी है, वाईफाई आईसी को पहले रिमूव कर देंगे। मेरे पास ये वाला जो आईसी है अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मैं ये जो आईसी है, इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और फिर देखेंगे हम ऑपरेट करके, जो हमारा मोबाइल जो रिस्टार्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। 100% होगा। तो पहले मोबाइल ऑफ कर लेते हैं हम। हमारा जो वाईफाई ऑपरेट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसके लिए हम आईसी को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, ऑटो तो रिस्टार्ट। तो इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे बाद में। जो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ किसी ने तो काम किया है। तो शायद मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ कि ये वाला जो आईसी है गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा जूम कम करता हूँ तो ऑटोमेटिक ऑन भी हुआ। तो यहाँ से इस बैटरी को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और देखेंगे फिर जो रिस्टार्ट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। कैमरे को यहाँ से हटाएंगे।
तो दोस्तों मेरे पास ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसे मैं मार्केट में मंगा के फिर से यह लगाऊंगा। तो जो ऑटो रिस्टार्ट की दिक्कत आ रही थी, ईसाई से नहीं थी दोस्तों। तो यार हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पिन कर लेते हैं दोस्तों। इस आईसी को मैंने रिमूव कर दिया है। हमारा जो वाईफाई है, वाईफाई ऑन नहीं होगा दोस्तों। वाईफाई सेंक्शन है, टोटल बंद होगा। इसके लिए मेरे को यही आईसी यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसकी भी मैं वीडियो निकालूंगा दोस्तों। जो आपके पास वाईफाई नॉट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो हम इसे इस आईसी को आपको चेंज करना है। तो हमारा जो वाईफाई का प्रॉब्लम है क्या था, तो मैं जो वाईफाई है, वाईफाई को ऑन करने जाता हूँ, लेकिन ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये वाईफाई ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। हमारा मोबाइल है, ऑन होता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ कोई भी अभी जो पार्ट है, पार्ट गर्म नहीं हो रहा है। तो हमारा जो वाईफाई ऐसी है, यही हमारा पार्ट गर्म हो रहा था, इसके वजह से हमारा शायद मोबाइल रिस्टार्ट रहा होगा दोस्तों। तो मोबाइल यहाँ से ऑन कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ी देर हम ऑपरेट करेंगे मोबाइल को और फिर देखेंगे जो हमारा जो ऑटो रिस्टार्ट का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो हमें क्या है, जो वाईफाई आईसी है, वाईफाई आईसी को चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास ये वाला आईसी अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से मैंने ये पार्ट चेंज नहीं किया है दोस्तों। तो फिलहाल हम मोबाइल को यहाँ ऑपरेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता हो दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।